मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर बाल गोविंद सिंह, शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राज्य से, टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज, आज आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है मेरा जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, समाज एवं विद्यालय, उससे संबंधित इकाई 3 और खंड 7 से संबंधित आज जो विषय आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसका नाम है लैंगिक परिचय तथा सामाजिक प्रक्रिया। आप जैसा इसमें लिखा है देख रहे हैं, इसको शुरू करने से पहले हम ये समझ लें कि यह इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इस लेसन को पढ़ने का, इस आर्टिकल को पढ़ने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, किन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम यह विषय पढ़ रहे हैं या यह आर्टिकल पढ़ रहे हैं। है क्या कि परंपरागत रूप से हम बच्चे और बच्चियों और महिलाओं और पुरुषों की शिक्षा में जो हमारी औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा को छोड़ भी दें, तो जो औपचारिक शिक्षा का मॉडल हमने अपनाया है देश में, उसे हमने अपनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिवर्तित किया है। और उसमें जो जो विशेष रूप से जो महिलाओं की शिक्षा है, उस अप्रोच में हमने कई बार कई तरह के प्रयोग और परिवर्तन किए हैं। तो जो आज का हमारा विषय है, विषय पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है विषय। है हमारा लैंगिक परिचय तथा सामाजिक प्रक्रिया। अब इसका क्या आशय है? स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी है और उसमें कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर की जो पूर्णता है उसे शिक्षा के रूप में प्रकट किया जाता है। और यह हमारा इसलिए शिक्षा का उद्देश्य इसी पूर्णता प्राप्त करने को कहते हैं जिसके लिए किसी अधिगमकर्ता के उसके संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, तार्किक विकास को अंजाम देते हैं, मतलब उसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ क्या है कि यह दोनों के लिए, दोनों जैसे लड़के और लड़की, महिला और पुरुष, या किसी भी अभिगमकर्ता के लिए, जो अधिगमकर्ता है, जो सीखता है, जो आपका लर्नर है, उसके लिए हर हाल में दोनों के लिए, या जितने भी, आप तो तीसरा जेंडर भी आ गया है, थर्ड जेंडर, तीनों के लिए हम इसे बराबर ही मानते हैं, उसको बराबर आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए हमको। जैसा कि हमारी परंपरागत शिक्षा व्यवस्था की एक आकांक्षा थी, यह अलग बात है कि वह कभी पूरी हुई कि नहीं हुई, उसमें बराबर परिवर्तन होते रहे। अब अभी जो रिसेंट चेंज हुआ है, हम अभी लड़के लड़कियों की बात करते थे, महिला पुरुष की बात करते थे, लेकिन तकनीकी रूप से और कानूनी रूप से हमारे समाज ने और हमारी जुडिशरी ने, हमारे और नीति नियंताओं ने, नेताओं ने और समाज ने, सबने मिलकर यह तय किया कि पूरी दुनिया में तीसरे जेंडर को मान्यता दी जा रही है, तो उस क्रम में भारत में भी तीसरे जेंडर को उसके अधिकारों से संपन्न किया जाए। अब ऐसी स्थिति में केवल अधिकार दे देने मात्र से या कह देने मात्र से या किसी प्रकार के कानूनी परिवर्तन कर देने मात्र से वह परिवर्तन नहीं होगा। अधिकार संपन्न बनाने के लिए उस तीसरे जेंडर को भी पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता होगी, उसके भी मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक, सृजनात्मक और तार्किक विकास की आवश्यकता होगी। तो वो किसी न किसी रूप में हमारे शिक्षा के मुख्य धारा में उसे भी शामिल करना है। अब हम देखते हैं कि अब अधिगमकर्ता की हमारी तीन श्रेणी हो गई। एक तो ये हुआ कि बालक, बालिका और थर्ड जेंडर, जिसको कई बार उसका नाम ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है, अब तीनों को कानूनी मान्यता प्राप्त है। अब जब हम इनके शिक्षा की बात करते हैं, जो परंपरागत शिक्षा जिस तरह वो तीनों पर लागू करते हैं, तब तो ये सामान्य शिक्षा हो, इसमें किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक क्लास में सारे बच्चे बैठते हैं और जो करिकुलम हम उनको पढ़ाना चाहते हैं या जो हमने निर्धारित किया है उसको हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन
समय के अनुसार जब हम उसमें किन्हीं कारणों से परिवर्तन कर देते हैं, यह परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह किन्हीं कारणों से, वह सामाजिक कारण भी हो सकता है, वह वैयक्तिक कारण भी हो सकता है, वह वैश्विक कारण भी हो सकता है, या वह उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में कोई आकस्मिक ऐसा आविष्कार या ऐसी कोई परेशानी या ऐसी कोई समस्या हो जाती है जिसकी वजह से हमें समाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले जो एजेंसी हमारे पास शिक्षा की है हम उसके पास जाते हैं और जो हमने डेवलप किया है उसके थ्रू फिर हम वापस उन चीज़ों को समाज में लेकर आते हैं। अब आप देखें आगे क्या है इसमें, महिला शिक्षा के उपकरणवादी उपागम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यह कैसे शुरू हुआ, यह परिवर्तन कैसे शुरू हुआ। शुरुआत में यह मान के हम चलते थे 18वीं सदी, 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो शिक्षा की व्यवस्था थी, एक तो पहले हमने नए मॉडल की शिक्षा एक्सेप्ट की, हमारी जो परंपरागत शिक्षा व्यवस्था थी जो वैदिक पीरियड से लेकर उत्तर वैदिक पीरियड और कमोबेश मुगलों के समय चलती रही, इस्लाम धर्मी शासकों के समय चलती रही, उसमें एकदम हमने अचानक परिवर्तन किया, परिवर्तन करके ब्रिटिश मॉडल को अपनाया। अब ब्रिटिश मॉडल को एकदम एक दिन एक रातों रात नहीं अपना लिया, उसमें समय लगा, उसमें 1834 से लेकर और 1944 के बीच में तमाम तरह के परिवर्तन हुए और उन्होंने उनको उसको हमने स्वीकार कर लिया। अब हम देखते हैं कि उन्हीं दिनों हमारे समाज में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक आंदोलन भी चल रहे थे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। दो तीन ऐसी सामाजिक आंदोलन के प्रणेता हुए और उन्होंने जो संस्थाएं बनाई जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इसमें इन हमारे सामाजिक और राजनीतिक नेताओं ने गूढ़ मंथन करने के पश्चात, उस पर सोचने समझने के पश्चात ये सोचा कि जब हम दोनों महिला पुरुष, बालक बालिका, जब दोनों बराबर हैं तो महिलाओं को भी शिक्षा के केंद्र में लाया जाए, उनसे उनको केवल घरेलू सीमाओं तक सीमित न रखकर उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी शिक्षा अति आवश्यक है। तो उन गूढ़ प्रश्नों पर हमारे सामाजिक चिंतकों ने, राजनीतिक चिंतकों ने, हमारे तत्कालीन नेताओं ने उस पर विचार विमर्श शुरू किया। उन्हीं दौरान कई ऐसी चीज़ें आईं जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, बाल विवाह का उन्मूलन हुआ, कई अंधविश्वासों और रूढ़ियों का भी उन्मूलन किया गया। तो एक बार आप देखेंगे कि उस समय हमारे शिक्षा के केंद्र में, हमारे शिक्षा के केंद्र में महिलाओं को स्थान दिया जाने लगा, लेकिन यह अस्थायी रूप से अस्थायित्व तो नहीं प्राप्त कर सका, यह मेन स्ट्रीम की बात नहीं बन पाई। कई बार यह किनारे लग गई, हाशिए पर चली गई, इसके पठन पाठन की व्यवस्था की तो गई, करिकुलम में की गई, पाठ्यचर्याओं में की गई, शिक्षकों को इसकी ट्रेनिंग दी गई, बताया गया, लेकिन वह जिस तरह उसको 20वीं सदी के प्रारंभ में और 19वीं सदी के अंत में जिस तरह हमारे उस समय के नेताओं ने, चाहे वो सामाजिक नेता हों चाहे राजनीतिक नेता हों, उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, वो उस तरह आगे बढ़ नहीं पाई। बहुत दिनों तक हमारी समाज की लड़कियां, महिलाएं पीछे रहीं, पढ़ाई लिखाई में पीछे रहीं और तमाम ऐसे कामों में पीछे रहीं। उन्हें हमने अपने घरों तक सीमित रखा और छोटे मोटे जो भारत के जो कंट्री साइड हैं, जो देश जहाँ गांव बसते हैं, जहाँ गांव में रहते हैं लोग, वहाँ और छोटे मोटे कार्यों में उनको लगाए रखा। उनको ऐसा तो नहीं कि हमने उनको ज़बरदस्ती वहाँ रोक रखा, लेकिन हमने उनके लिए अवसर नहीं पैदा किए कि वो समाज की मेन स्ट्रीम में आए। लेकिन फिर भी इतने उनके इस प्रयास के कारण भी हमारे समाज में महिलाओं की शिक्षा के प्रति एक जागरूकता उत्पन्न हुई, उसमें वाइब्रेंट आया, वो मतलब पढ़ने लिखने की बातें जो हैं वो वाइब्रेंट हुई,
वो दृष्टिगोचर होती है उस समय की। आगे हम देखते हैं कि महिला शिक्षा का उपकरणवादी उपागम क्या है। पहले इसको समझते हैं। एक तरफ तो विद्यालय सहित समाज में बालकों के शैक्षिक उद्देश्यों के अंतर्गत उनके सृजनात्मक, संज्ञानात्मक और तार्किक विकास की बात करते हैं। जाहिर सी बात है कि इसी कक्षा में एक बालिका भी पढ़ती है, बालक भी पढ़ता है। उस समय हम देखते हैं कि जब इसकी बात करते हैं कि सृजनात्मक, संज्ञानात्मक और तार्किक क्षमताओं, यह लड़कियों के साथ भी लागू था, उनकी शिक्षा में यह बात लागू है, लेकिन हमने थोड़ा सा उसके उद्देश्य को ट्विस्ट किया। अब ट्विस्ट क्यों किया? ट्विस्ट हमने इसलिए किया, मतलब ट्विस्ट में उसमें थोड़ा बदलाव लाया। वो बदलाव इसलिए लाया कि हमारी अपेक्षा लड़कों से थोड़ा अलग थी, थोड़ा अलग हम समझते थे उसको। क्यों? हमने उसके पीछे एक तर्क गढ़ा। तर्क ये था कि जैव शारीरिक लक्षण, जैसे प्रकृति ने लड़के और लड़की को दो शारीरिक लक्षणों के साथ और दो कार्यों के साथ इस प्रकृति में पैदा किया है। अब जब एक सभ्य समाज में मनुष्य उन दोनों को अलग करने के लिए उन्हीं शारीरिक लक्षणों का उसने प्रयोग किया और यह मान लिया कि लड़कियों का यह काम है और लड़कों का यह काम है, उसके अनुसार उनकी शिक्षा की जो संरचना हमने बनाई उसके अनुसार बनाई। अब जब हम देखते हैं कि ये तो मुख्य है, सृजनात्मक, संज्ञानात्मक और तार्किक क्षमताएं विकसित करने की, लड़के और लड़कियों में बराबर है। लेकिन जब लड़कियों की बात करते हैं, जैसा कि मैंने पीछे कहा आपको कि उसमें थोड़ा सा हमने परिवर्तन किया। परिवर्तन इसलिए किया कि लड़कियों की शारीरिक संरचना के आधार पर उनके काम का बंटवारा किया और लड़के के काम का, बालकों के काम का हमने बंटवारा कर दिया। अब जब बंटवारा किया तो उसके पीछे तर्क हम क्या ले आए, किस तर्क के आधार पर इसको हम आगे ले आए, उसको आगे देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शिक्षा निर्धारित उद्देश्यों में परिवर्तित करके अपनी आवश्यकताओं, वह आवश्यकता किसकी थी, समाज की आवश्यकता थी, परिवार की आवश्यकता थी, उनको ध्यान में रखकर उसको केंद्र में रखकर हमने बालिकाओं की शिक्षा में जो परिवर्तन किया उसके पीछे उस लड़की के बेहतरी का उद्देश्य हमारे अंदर कम था। हमको समाज और उस परिवार, जिस परिवार में वो पैदा हुई है या जिस परिवार में वो जाएगी या उसका जीवन यापन होगा, उस परिवार को दृष्टिकोण में रखते हुए, उसको हम दृष्टि में रखते हुए हमने लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था थोड़ा ट्विस्टिंग के साथ की। आगे देखें क्या है उसमें, तर्क क्या है। हमारे उपकरणवादी उपागम जो हमने ट्विस्ट किया वही उपागम है, उसको ही उपागमवादी सोच कहते हैं, उसी को उपकरणवादी सोच कहते हैं। मतलब हमने जानबूझकर जो चली चलाई धारा थी उसमें थोड़ी ट्विस्टिंग की, उसको थोड़ा अपने मन से मैनुपुलेट किया, उस मैनुपुलेशन को ही हम उपागम कह रहे हैं। यहाँ हमारे कहने का मतलब कि ये उपागम वही है जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता, उस लर्नर की आवश्यकता नहीं है, उस बच्ची की आवश्यकता नहीं, उस बालिका की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता किसकी है, समाज की आवश्यकता है, उस परिवार की आवश्यकता जिसमें वो पैदा हुई है। और हम अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं, अपने विश्वासों में यह लेख मान कर चले आ रहे हैं बहुत दिनों से कि लड़की यह कार्य करेगी, लड़का यह कार्य करेगा। अब हमने उस लर्नर को ध्यान में नहीं रखा, लर्नर को ध्यान में रखकर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने समाज की परंपरा और जिस परिवार में वो पैदा हुई, उस परिवार और जिस समाज में वो रह रही, उस समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसकी शिक्षा को थोड़ा डाइवर्ट किया। अब ये डाइवर्ट जिस उपकरण के माध्यम से किए वो तर्क थे, उन्हीं तर्कों को हम उपागम कहते हैं, वही हुआ उपागमवादी अप्रोच ऑफ लर्निंग। तो यहाँ आप देखिए क्या हमने तैयार किया है, सोचना क्या लिखा है। स्वतंत्र प्रावधान के बाद, विशेषकर 70 के दशक के बाद, मैं 70 के दशक की बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में
70 के दशक के पहले महिला शिक्षा या बालिका शिक्षा के बारे में जो आज हमको सोच दिखाई दे रही है, वह पहले थोड़ा इस तरह की व्यवस्था कम थी। धीरे धीरे यूरोपियन साहित्य में यह बात पहले सर्वप्रथम यूरोपियन साहित्य में आई, उसके बाद वहाँ की लोगों की सोच में आई, वहाँ की शिक्षा में आई, वहाँ के समाजों में आई, और वह सनई सनई पूरी दुनिया में फैला। उसी समय एक पुस्तक आई थी, सिमोन द बुआ की एक पुस्तक थी, द सेकेंड सेक्स। उसमें महिलाओं के अधिकारों, उनके कार्यों और उनकी भूमिका पर विशद चर्चा हुई थी। इस चर्चा को ध्यान में रखते हुए जो साहित्य का सृजन उन दिनों हुआ और जो प्रयोग हुए शिक्षा के क्षेत्र में, जो प्रयोग हुए वह सनई सनई पूरी दुनिया में फैला। उसी क्रम में भारत में 70 के दशक में इस पर काम शुरू हुआ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखें, विशेष 70 के दशक के बाद भारत में महिला शिक्षा के उद्देश्यों में मौलिक परिवर्तन किया गया, जिसे महिला सशक्तिकरण का नाम दिया गया। नाम बड़ा अच्छा सा है, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब कि अपरोक्ष रूप से प्रकारांतर में हम ये कह रहे हैं कि किसी बालिका को, किसी महिला को मेन स्ट्रीम में हम लाएं और उसको सशक्त बनाएं शिक्षा के माध्यम से। लेकिन फिर यहाँ देखें, हम शिक्षा में जो रणनीति अपनाते हैं उसी सशक्तिकरण के लिए, उसके लिए हम जो बातें सोचते हैं, जो तर्क करते हैं, वो क्या हैं? बेहतर साफ सफाई और स्वास्थ्य की प्राप्ति। अब जब हम बेहतर साफ सफाई और स्वास्थ्य की प्राप्ति की बात करते हैं, तो हमारे मन में फिर कहीं होता है कि महिला घर में रहेगी, घर की साफ सफाई करेगी, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगी और ये आपके पूरे रहने के इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखेगी। अब एक अलग नया तर्क हमने गढ़ लिया, ये तो पुरुष भी कर सकता है, पुरुष को करने में कहाँ इसमें दिक्कत है। बेहतर साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति कोई इस तरह की कोई परेशानी तो मुझे नहीं दिख रही है, यह पुरुष भी कर सकता है। दूसरा है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में महिला और पुरुष दोनों का की बराबर की भागीदारी है, लेकिन हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं? यह बात केवल महिलाओं को सिखाने की, लड़कियों को सिखाने की, उनकी शिक्षा में शामिल करने की बात कर रहे हैं, हम इसको रोक रहे हैं, उसकी सीमा, एक नई सीमाएं हम बना रहे हैं। सशक्तिकरण के नाम पर हम उसकी एक नई सीमा बना रहे हैं कि आपको एक तो पहला बेहतर साफ सफाई, बच्चों का पालन पोषण और एक हाइजीन इन्वायरमेंट आप पैदा करिए। दूसरा है, हम परिवार नियोजन की बात करते हैं जिसमें ज़्यादा बात हम महिला से करते हैं कि परिवार छोटे हों, क्योंकि संसाधन इस देश में कम है, संसाधन कम है तो बच्चों के लिए सुविधाएं कम मिलेंगी और उनके पढ़ने की व्यवस्था कम होगी, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कम होगी। कहने का मतलब वह सारी जिम्मेदारी जो है वह हम महिला के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे क्या है? महिला सशक्तिकरण, नाम ले रहे हैं महिला सशक्तिकरण का और उसकी उसकी शक्ति को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है माँ और एक नागरिक। हम एक ऐसे माँ की परिकल्पना करते हैं जो अपने आप में पूरी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, समाज, नैतिकता, आदर्श सब उसमें समाहित हो और समाज की अगली पीढ़ी में वो ट्रांसफर हो। हम ये चाहते हैं। हमने कभी भी पुरुष से ये नहीं कहा, पुरुष के लिए शिक्षा देते समय ये नहीं कहा कि तुम बच्चे का पालन पोषण करो, तुम बच्चों को ऐसे गुण उसके अंदर विकसित करो या ऐसी बातें उन्हें बताओ या इस तरह से उनको शिक्षा दो या उनके पालन पोषण में इतना समय तुम्हारा एक्सपेंड होना चाहिए। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का कभी अंग नहीं रहा। जब भी हमने बात की है तो माँ के बारे में एक सुसंस्कृत माँ की बात की है। मतलब हम अपरोक्ष रूप से ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सारी जिम्मेदारी एक सुसंस्कृत नागरिक बनाने के लिए हम सारी जिम्मेदारी सशक्तिकरण के नाम पर माँ के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नागरिक, उसके अलावा माँ एक अधिक उत्तरदायित्व संपन्न नागरिक हो, अधिकार उसके पास कम हो और वो
उत्तरदायित्व उसके पास ज्यादा हो, समाज के उत्तरदायित्व ज्यादा हो, राष्ट्र के उत्तरदायित्व ज्यादा हो, अपने बच्चे के प्रति उत्तरदायित्व ज्यादा हो, मतलब जितना सेगमेंट आप देखेंगे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों में जब आप कोशिश करेंगे देखने की, जांचने की कोशिश करेंगे, तो ढेर सारी जिम्मेदारियां एक माँ के ऊपर, एक महिला के ऊपर, एक स्त्री के ऊपर, एक लड़की के ऊपर, परिवार की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारियां डालने का प्रयास किया जाता है। आज स्थितियां बदली हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, आज परिवर्तन हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन परिवर्तन बहुत देर से शुरू हुआ और बहुत देर लगेगी, बराबर आने में बहुत देर लगेगी। तो हमने क्या किया कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सारे तर्क गढ़े। अब परंपरागत मूल्यों और आदर्शों की पोषक हम बार बार ये अपेक्षा करते हैं कि जो समाज में, भारतीय समाज में धर्म चाहे जो हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, पारसी हो, यहूदी हो, भारत में जितने भी धार्मिक, लगभग दुनिया के सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू धर्म में यह बात बनी है, सारे धर्मों में महिला की जो स्थिति है वो लगभग एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। मैं शहरी समाज और ग्रामीण समाज में अंतर तो कर सकता हूँ, लेकिन दोनों समाजों में महिलाओं की और लड़कियों की स्थिति का जो प्लेटफॉर्म है लगभग एक है। इस्लाम धर्म को छोड़ दिया जाए क्योंकि उनका थोड़ा सा और नीचे है, क्योंकि उनके साथ उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक आग्रह हैं, जिनकी वजह से उनका थोड़ा नीचे है, लेकिन जो शेष धर्म इस देश में रहते हैं उसमें महिलाएं, लड़कियां, स्त्रियां, जो वो लगभग सबका एक प्लेटफॉर्म है, उनकी एक दशा है। क्यों? क्योंकि यह उस भारतीय समाज की आवश्यकता है, भारतीय परिवार की आवश्यकता है, और जिसके लिए हम तर्क गढ़ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सारे तर्क गढ़े गए हैं। फिर अतिरिक्त पारिवारिक आय हेतु उद्यम, हाँ ये एक बड़ा ऐसा विषय है, चाहे वो शहरी जीवन हो चाहे ग्रामीण जीवन हो। ग्रामीण जीवन में यह जरूरी नहीं कि सारी महिलाएं पढ़ लिख कर बहुत आगे निकल जाती, सारे लड़के भी बहुत पढ़ लिख कर सारे आगे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कों के साथ ये जरूर है कि उनके पास रोजगार के अवसर ज़्यादा हैं। वो इसलिए हैं कि वह मूवमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, माइग्रेट ज़्यादा हो सकते हैं, एक एक गांव से शहर जा सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, अब तो एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास अवसरों की उपलब्धता ज़्यादा है, जबकि महिलाओं की उपलब्धता उसकी अपेक्षा बहुत सीमित है। अब वो या तो ग्रामीण क्षेत्र में रह रही हैं, तो 2-5% ऐसी महिलाएं हैं जो माइग्रेट करके शहर में आती हैं। एक शहर से, छोटे शहर से बड़े शहर में माइग्रेशन करने की के अवसर कम है, पुरुषों के लिए ज़्यादा हैं, महिलाओं के लिए कम है। हो सकता है कि अब बदली परिस्थितियों में महिलाओं, लड़कियों को माइग्रेट करने का, शहरों में से एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरित करने का, इसके पीछे केवल और केवल एक उद्देश्य है कि उनके रोजगार और सहज जीवन स्तर की प्राप्ति के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाएं। लेकिन आप देखें सामाजिक स्थिति को देखते हुए, और आप देखेंगे कि महिलाओं को यह अवसर कम उपलब्ध है। अब तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, अतिरिक्त पारिवारिक आय हेतु उद्यम, यह उद्यम शहरी क्षेत्र में अलग किस्म के हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल अलग किस्म के हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कृषि क्षेत्रों में कार्य करती हैं जो गांव में रहती हैं, और जो दूसरी हैं जो महिलाओं क्षेत्र में, वो घरेलू कुटीर उद्योग टाइप के कार्य वो करते हैं। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि बालकों की परिवर्तन करते हुए शिक्षा के हमने नए तर्क गढ़ लिए, और आने वाले समय में जो प्रतिफल प्राप्त हुआ वह आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं था। जिस तरह के शैक्षिक उद्देश्यों को हमने फ्रेम किया था, बनाने की कोशिश की थी, वह उसके अनुरूप नहीं है। वह अनुरूप इसलिए नहीं है कि हमने इसमें तर्क गढ़ लिए। तर्क गढ़ने का मतलब कि हम सशक्तिकरण के नाम पर हमने महिला या लड़की से इतनी अपेक्षाएं कर ली। ऐसा नहीं है कि हम पुरुष से ये अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, हम पुरुष से अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो समाज का हिडन एजेंडा है, उसकी बात हम नहीं करते हैं,
उसकी बात करते भी हैं तो बहुत कम करते हैं। ये हुआ उपकरणवादी सोच। हम नाम तो ले रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, लेकिन उसके पीछे ये कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इसमें आवश्यक परिवर्तन की जरूरत है। महिला शिक्षा के उपकरणवादी उपागम में आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए। वो परिवर्तन क्या है कि मैंने पीछे बात की आपसे कि जब एक क्लास में लड़का और लड़की या तीसरा जेंडर बैठता है तो जो उसके लिए करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या हम उसको डिलीवर कर रहे हैं, जो हमारा टीचर उसको पढ़ा रहा है, वो सबके लिए एक तरह का होना चाहिए। ठीक है, वो होता है, क्लास में चलता है, सबके लिए एक तरह की पढ़ाई लिखाई होती है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जा रहा है तो तीनों के एक तरह की मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। लेकिन हमने जो अतिरिक्त काम महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए या थर्ड जेंडर के लिए हमने जो सोच रखा है कि वो ये होना चाहिए, तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमने चेंज तो कर दिया सारी। ये देखे कि हमने इनको दो नामों से संबोधित किया और उसमें चेंज कर दिया। चेंज क्यों किया? उसके सशक्तिकरण के नाम पर चेंज किया। अब सशक्तिकरण के नाम पर जब चेंज कर दिया तो उसको नए काम सौंप दिए कि ये तुमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि अपनी क्षमता के अनुरूप वह अपनी क्लास में, घर में, समाज में अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते समय उसकी शक्तियों का जो है वो विभाजन हो जाता है, वो कई तरफ उसकी शक्तियां बट जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो हम वो करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, वह परिवर्तन अपेक्षित और नहीं हो पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रयास तो कर रहे हैं कि लड़कियां महिलाएं आगे बढ़ें, लेकिन जिस पेस में हम कोशिश कर रहे हैं, जिस गति में हम प्रयास करना चाहते हैं, उस गति में वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। उसका यही कारण है कि हम जो उसमें उसकी शिक्षा के उद्देश्यों में ट्विस्टिंग कर रहे हैं, बार बार उसके लिए नए तर्क गढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने महिला शिक्षा की परंपरागत जो व्यवस्था है उसमें कक्षाओं में जिस तरह शिक्षा दी जाती उसकी बात किए, उसमें किस तरह हमने परिवर्तन किया, परिवर्तन करने का प्रयास किया और परिवर्तन करने के पीछे जो तर्क गढ़े, उन तर्कों को हमने जो स्वीकार कर लिया, समाज को स्वीकार करा दिया और अपनी नीतियों में भी ला दिया। अब जब नीतियों में उसको ला दिए हम तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिए तो जो गति होनी चाहिए, जो गति उनके विकास में होनी चाहिए वह गति हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो उसमें आवश्यक परिवर्तन होना चाहिए। जो तर्क हमने सशक्तिकरण के नाम पर गढ़े हैं उन तर्कों में परिवर्तन होना। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं एक बता दूं कि आप परिवार नियोजन की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, साफ सफाई की बात करते हैं, सुसंस्कृत नागरिक की बात करते हैं, तो यह लड़के और लड़कियों को दोनों को बराबर तरीके से सिखाया जाए। हमको इसे करिकुलम में लाना होगा, इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम में इसको आगे बढ़ाना होगा और समाज में संदेश देना होगा कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में किसी प्रकार की सोच में ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे नीति नियंता, शिक्षाविद और सामाजिक नेता, राजनीतिक नेता, जो भी लोग हैं, इस शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, छोटे बड़े पदों पर बैठे हैं, उन्हें इसको संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ाना चाहिए कि ताकि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में किसी प्रकार का विभेद जाने अनजाने न हो। इस प्रकार हमने आज इस पर बात कर ली। अगली कक्षा में हम फिर आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।